हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। वेलकम टू माय चैनल चाय विद सुप्रिया। सो एक्शन फिल्मों के माहिर रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस ईयर की मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर एंड ड्रामा से भरी सिंघम अगेन मूवी का फाइनली ट्रेलर आ चुका है। तो स्टार कास्ट देखी जाए तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, जिसमें हमें नज़र आने वाले हैं अजय देवगन, करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले देख लेते हैं मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर वीडियो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीतामा को लेने ऑल द वे लंका गए थे 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, डैड आप जाओगे? मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है, उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आपका तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम? उनके कहने पर पहले भी दो बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर तीसरी बार भी घुस जाते हैं। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर रवनी के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। दरवाजा तोड़। ये श्रीलंका का एक लौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए, और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। ये कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। अखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? We'll be right back.
जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। जब ही देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। सब बहुत ही शानदार एंड दमदार ट्रेलर है, ऐसे एक्शन एंड ड्रामा से भरा हुआ जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार की झलक हमें देखने को मिल रही है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाया है। सो इस मूवी को लेकर रोहित शेट्टी एक कॉप यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं जिसमें रामायण और देसी एवेंजर्स नज़र आ रहे हैं, और इस बार इस मूवी में बहुत ज़्यादा ऐसा मसाला फिट किया गया है जिसमें एक्शन है, आस्था है, देशभक्ति है और वतन के लिए अपनी जान गंवाने का जज्बा भी। सो, ट्रेलर की शुरुआत होती है अजय देवगन से जो बर्फीली पहाड़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। करीना कपूर उनकी वाइफ का किरदार निभा रही है जो रामलीला का आयोजन करती है। फिर आगे रामलीला के नेक्स्ट सीन के बारे में वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही है। ये सुनकर उनके बेटे को यकीन नहीं होता कि राम जी सीता जी को लेने लंका गए थे, वो भी 3000 किलोमीटर दूर। फिर करीना कपूर कहते हैं कि ये फैक्ट है जो तुम्हारे जनरेशन को सच्चे प्यार के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। फिर उनका बेटा अजय देवगन से कहता है कि अगर मॉम को कोई किडनैप कर ले तो क्या आप मॉम को बचाएंगे? तो अजय देवगन उस पर ये कहते हैं कि गूगल पे सिंगम टाइप कर लेना, तभी पता चल जाएगा कि तेरा बाप क्या चीज़ है। सो अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ एक निगेटिव रोल में नज़र आ रहे हैं, और वही दीपिका पादुकोण एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही है शक्ति नाम से, जो खुद को एक लेडी सिंगम मानती है, समझती है। जब करीना कपूर को किडनैप किया जाता है तभी अजय देवगन अपनी वाइफ को बचाने और अपना वचन पूरा करने के लिए फिर से हिस्ट्री दोहराते हैं और फिर से लंका जलाने की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अच्छा है ट्रेलर, और इस ट्रेलर की एक खास बात ये है कि ये ट्रेलर हिंदी सिनेमा हिस्ट्री का बहुत ही ऐसा बड़ा और लंबा ट्रेलर है। सो मुझे अच्छा लगा, मज़ा आ गया, और मूवी रिलीज़ होने वाली है 1 नवंबर। तो मिलते फिर से एक नए ट्रेलर टीजर वीडियो के साथ। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट रिएक्शन किस वीडियो पे बनाए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।